जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि षट तिला एकादशी। दोस्तों, इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है हिंदू धर्म में। विशेष तौर पर दोस्तों, इस पूरे महीने में तिल का विशेष महत्व होता है। इस जो एकादशी, इसको षट तिला एकादशी इसलिए कहा जाता है कि इस दिन तिलों का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है तिलों के द्वारा। दोस्तों, इस दिन व्यक्ति को सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की तिलों से पूजा करनी चाहिए, उन्हें पीले फूल अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। और ऐसी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना ज्यादा होता है उतने ही साल अधिक जीवन, सुखी जीवन जीता है व्यक्ति, और मृत्यु के बाद मोक्ष में प्राप्त होती है और स्वर्ग में वास करता है व्यक्ति। दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि इस षट तिला एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। बेसिकली हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है दोस्तों जो हमें भूल कर भी इस दिन नहीं करनी चाहिए। तो इस वीडियो में दोनों चीजों के बारे में जानेंगे कि षट तिला एकादशी के दिन हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर से कीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, जान पहचान के लोगों, खास तौर पर अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इस वीडियो को आपने जरूर से शेयर करना, ताकि इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उन्हें भी मिल सके। और सदा की जैसे रोज आप करते हो, वैसे ही आपने कमेंट में जरूर से लिखना है जय श्री कृष्णा, ताकि भगवान श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो चलिए जानते दोस्तों, इस दिन हमें करना क्या है। दोस्तों, षट तिला एकादशी का जो समय होता है वो हल्की ठंड का समय होता है, इसलिए उठने में थोड़ा सा कंटाल आता ही है, लेकिन इस दिन हमें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। सूर्योदय के पहले उठना, कोशिश करना है कि 6 बजे तक तो उठ ही जाएं। और दोस्तों, इस दिन आपने तिल का उपटन तैयार कर लेना है, और तिल के उपटन को लगाने के बाद में थोड़ी देर रख लेना है, और उसके बाद में अपने नहाने के जल में आपने तिल डालकर भगवान श्री हरि का नाम लेकर फिर आपने उस जल से स्नान करना है। साथ ही दोस्तों, इस दिन बिना धुले हुए कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। आपने नए कपड़े पहनना कोई जरूरी नहीं, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने, और हो सके दोस्तों तो इस दिन आपने पीले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूरे मन और आस्था के साथ भगवान श्री हरि की पूजा करता है, उसे भगवान श्री तुरंत ही प्रसन्न हो जाते। तो इस तरह से आपने स्नान करना है, और दोस्तों स्नान करने के बाद में आपने तिल का हवन करना होता है। आप चाहें तो गोबर के अंदर तिल मिलाकर कंडे तैयार कर लें, फिर उसका हवन करें, और साथ ही 5 मुट्ठी तिल लेकर उस 5 मुट्ठी तिल से आपने 108 बार आहुति देनी, और बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के साथ 108 बार आपने आहुति देते हुए हवन करना है। दोस्तों, हवन करने के साथ में इस दिन आपने भगवान श्री हरि को तिल के व्यंजन का भोग लगाना है, भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र पहनाना है, पीले पुष्प अर्पित करके उनकी पूजा अर्चना करनी है। और साथ ही दोस्तों, षट तिला एकादशी पूजा में हर तरीके से परिवार में शांति का माहौल रहे, इसकी आपने प्रार्थना करनी, साथ ही कोशिश करनी दोस्तों कि आपने किसी भी तरह का वैमनस्य नहीं रखना है, किसी भी तरह के बैड वर्ड्स नहीं बोलने, गुस्सा नहीं करना है, घर में सुख और शांति का माहौल रहे इसलिए पूरा प्रयास करना है। और साथ ही दोस्तों, अपनी वाणी पर पूर्ण संयम रखना है। षट तिला का जो व्रत करते हैं उन्हें झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, और बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि सारे विकारों से अपने आप को दूर रखकर भगवान श्री हरि की शरण में जाना है। दोस्तों, पूरे सच्चे मन से, पवित्र मन से अगर आप पूजा करेंगे तभी वह पूजा जो है भगवान श्री हरि द्वारा स्वीकार्य होगी। इसीलिए दोस्तों, षट तिला एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए,
लेकिन दोस्तों कलयुग में ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है कि व्यक्ति को मजबूरन कभी कभी किसी दूसरे के भले के लिए भी झूठ बोलना पड़ जाता है। लेकिन शर्तिला एकादशी के दिन कोशिश करें कि किसी भी वजह से आपको झूठ ना बोलना पड़े। अपने बड़ों का, अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और दोस्तों इस दिन आपने अपने पितरों के निमित्त तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। तर्पण के लिए आपने एक आसन पर बैठ जाना है, फिर सामने एक चौकी रखनी, उसमें एक पात्र रखना और दक्षिणा भी मुख होकर आपने बैठना है। आपने लोटे में जल, काले तिल, गुड़ और कच्चा दूध मिलाकर आपने फिर अपने पितरों के निमित्त जो है तर्पण करना है। दोस्तों जिस घर पे उनके पितरों का आशीर्वाद होता है उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं लगते, किसी तरह की परेशानियां नहीं आती, संकट नहीं आती। अगर आपके घर में किसी तरह के वास्तु दोष है या लड़ाई झगड़े होते, शादियां नहीं होती, बच्चे बात नहीं सुनते, इसी तरह के अगर विकार है तो दोस्तों आपने पितृ दोष के निमित्त तर्पण कार्य, पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। और दोस्तों इस दिन भूल कर भी लहसुन प्याज इत्यादि तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपने इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप अगर निराहार बिल्कुल नहीं रह सकते तो आप फलाहार कर सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, तिल की मिठाई इत्यादि खाकर आपने व्रत कर लेना है। लेकिन दोस्तों इस दिन अन्न का सेवन व्रत करके नहीं करना चाहिए। और शाम के समय तिल का भोजन बनाकर भगवान श्री हरि को, भगवान विष्णु को भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। दोस्तों भोग में रेवड़ी, गजक, तिल के लड्डू इत्यादि कोई भी मिठाई जो है वो बनाकर भोग लगा सकते हैं। नहीं आती तो आप मार्केट से बाय करके भी भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों रात को सोते समय अपने बिस्तर में तिल जरूर डालकर सोएं। और दोस्तों शाम के समय और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन जरूर सुने। रात्रि जागरण का दोस्तों हर एकादशी के व्रत में विशेष जो महत्व होता है, इसलिए आप कोशिश करें कम से कम एक प्रहर दोस्तों भजन कीर्तन करते हुए जरूर गुजारें, ताकि आपका मन जो है पूर्ण रूप से श्री हरि के चरणों में लग जाए। दोस्तों इस दिन भूल कर भी लेट नहीं उठना है आपने, और भगवान श्री हरि के चित्र को, मूर्ति को आपने पीले वस्त्र पहनाना है। पीले वस्त्र पे स्थापित करके रोली मूली, तिल, धूप दीप, नैवेद्य, फूल माला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बैर, पंचामृत से पूजा करनी है। तो पिछला एकादशी की पूजा पूरी श्रद्धा विश्वास से करनी चाहिए। दोस्तों जो व्यक्ति इस दिन पूरे विश्वास से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, मन की हर मुराद पूरी होती है। दोस्तों और इस दिन पीले आसन पर बैठकर नारायण कवच का अगर 3 बार पाठ कर लिया जाए दोस्तों तो ऐसी कोई मन की मुराद नहीं है जो भगवान श्रीहरि पूरी ना करे। इसके साथ ही दोस्तों इस दिन आपने विशेष ध्यान रखना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। किसी से भी कोई सामान अगर उसके बिना परमिशन के लेते हैं तो वो एक तरह की चोरी होती है। किसी का भी सामान आपने नहीं लेना है दोस्तों। हो सके तो इस दिन आपने जितना हो सके दान करना है, और तिलों का दान इस दिन विशेष रूप से आपने करना है। और एकादशी का व्रत करते हैं तो अगले दिन सुबह ब्राह्मण को दान इत्यादि करने के बाद में ही, भगवान श्री हरि की पूजा करने के बाद में ही आपने अपना व्रत खोलना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आपने हर बुराइयों से बचना है। अगर आप सुपारी इत्यादि खाते हैं, गुड़िया इत्यादि खाते हैं, सिगरेट बीड़ी इत्यादि पीते हैं तो इस दिन सभी विकारों से आपको दूर रहना है। पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान श्री हरि की पूजा करनी है। 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना है। किस तरह से? पहला काम है उपटन, दूसरा है स्नान, तीसरा कार्य हवन, चौथा कार्य है तर्पण, पांचवा कार्य है दान और छठा कार्य है अपने तिल के व्यंजन को खाना। और इस दिन दोस्तों तिल मिले जल का सेवन करना बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। दोस्तों कर लीजिए, बहुत ही सरल से आसान से काम है। इन सभी कामों को आपने करने और साथ ही ख्याल रखना है जिन चीजों को आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों जितना भगवान का आशीर्वाद जल्दी मिलता है उतनी ही जल्दी अभिशाप भी मिलता है। तो बचे रहिए अभिशाप से और भगवान श्री हरि की कृपा पाने के लिए, साथ ही माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए इन चीजों का आपने विशेष ख्याल रखना है। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आप सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, और दोस्तों फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सबके साथ आपने इसको शेयर जरूर से करना है। और दोस्तों वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का जो रेड बटन है आपने उसे
प्रेस कर देना ताकि वो ग्रे हो जाए। उसके साथ ही घंटी के बटन को आपने दबा देना है ताकि दोस्तों हम और आप इसी तरह वीडियो के थ्रू जुड़े रहें। और साथ ही कमेंट में जरूर से लिखें जय श्री कृष्णा।